हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी का और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद होगा कि आप सब लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमी का जो पूरा पार्ट्स था वो मैंने पूरा पार्ट्स करा दिया था, और एस्ट्रोनॉमी का जो प्लेनेट वाला सेक्शन था वो प्लेनेट आप पढ़ लेना किताब से, नहीं होगा तो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे अपने हाथ से लिखकर, तो प्लेनेट्स वाले नोट्स हम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, भेज देंगे, आपकी बैच में चला जाएगा। दूसरी बात कि एक बात सीधे सीधे मैं आपको अपने इस क्लास के माध्यम से अब तक पहुंचा देना चाहता हूं कि मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा और नहीं पढ़ना होगा तो बैच छोड़कर चला जाए, कोई दिक्कत हमको नहीं है, मैं उनका जो होगा देख लेंगे, मैसेज कर लेंगे। लेकिन अगर चार बच्चे कहेंगे सर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाइए, कोई कह रहा है सर एनवायरमेंट पढ़ाइए, कोई कर रहा है आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाइए, भाई हमसे हो नहीं पाएगा, हमें माफ कर दो, क्योंकि देखो मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। अगर बात है जल्दी खत्म करने की तो ठीक है, आज से हम जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं बेस्ट पढ़ा कर, क्या करना 20 दिन का समय तो 20 दिन में इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, ठीक है। पर हमसे ये भी चाहते हो कि पूरा कंटेंट भी आपका कवर हो जाए और बढ़िया भी पढ़ लें और 20 दिन में खत्म भी हो जाए, तो हमसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, जैसा कि आप लोग मैसेज करके कहते हैं, हमसे बहुत अच्छे, बहुत ब्रिलियंट, बहुत नॉलेजेबल है टीचर इस दुनिया में, आप उनसे पढ़ सकते हैं जाकर, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब कमेंट्स किसी का आया तो फिर मैं समझाता हूँ कायदे से आप लोगों को। चलिए अब यहां तक के सेक्शंस पे हमने हिमालय का पूरा डिस्कशन कर लिया था कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हिमालय कैसे बना, हिमालय का डिवाइडेशन भी पढ़ लिया था, उसका विभाजन भी पढ़ लिया था, दोनों आधार पर कि एक भौगोलिक आधार पर किया गया था, उत्पत्ति फॉर्मेशन के आधार पर किया गया था, और दूसरा हम लोगों ने यह पढ़ा था कि सिडनी बुराड ने नदियों के आधार पर उनको क्या कर दिया था, बांट दिया था, ये तीन चीजें पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से ITS जेट के द्वारा अलग होता है, इंडस शांकु सचर जोन के द्वारा, बृहद हिमालय मध्य हिमालय से MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, और आपका मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा, और शिवालिक हिमालय उत्तर के विशाल मैदान से HFF यानी हिमालय फ्रंट फॉल्ट यानी हिमालय अग्रभ्रंश के द्वारा अलग होता है, ये सेक्शन हमने पढ़ा दिया था। आज हम लोग जो हिमालय का जो टॉपिक स्टार्ट करें, बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग हिमालय के विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे, किसको पढ़ने वाले हैं यहाँ दिख रहा है ना, आज हम लोग हिमालय का जो पोर्शन उठा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी पर पूरा प्रयास करेंगे कि आज हम लोग इसको पूरा अच्छे से क्या कर ले, समझ लें। आज हम लोग हिमालय का टॉपिक पढ़ ही रहे थे, और हिमालय में आज का जो सेक्शन मैं लेकर चल रहा हूँ, आज का जो सेक्शन है वो सेक्शन क्या होगा ये बात याद रखिएगा, और जानते हैं जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं वहां पर कैजुअली अगर कोई टीचर पढ़ाएगा ना तो आप जाकर पूरा किताब उठा लेना, आपके पास किताब तो बहुत बड़े बड़े विद्वानों को किताब भी होगा, और क्या, हाँ, और आप बहुत सारे क्लासेस भी किए होंगे, तो आप मिला लेना कि क्या शॉर्ट में पढ़ाया, क्या लॉन्ग पढ़ाया। एक महीने पहले वीडियो मैंने लॉकडाउन में वो शूट किया था अपने दूसरे बैच में भेजने के लिए, एस्ट्रोनॉमी हो गया या वर्षा हो गया या वोल्केनोज हो गए, ये सब सिद्धांतवादी हैं, ये सब सिद्धांत पर इनकी तथ्यों को लिखा गया है, तो चाहे वो 10 साल बाद पढ़ाऊंगा चाहे 10 साल पहले पढ़ाऊंगा वो वही पढ़ाऊंगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आप लोगों, इसलिए परेशान मत हुआ करो। तो हिमालय का जो सेक्शन आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो हम हिमालय के विस्तार को लेकर आज हम लोग बहुत अच्छे से क्या करेंगे गाइस, आज हम लोग हिमालय के विस्तार को लेकर डिस्कशन करेंगे कि हिमालय का विस्तार क्या है, भारतीय क्षेत्र में इसका विस्तार कहां कहां पर देखा गया है और क्या क्या चीजें इसकी इंपॉर्टेंट हैं, ये हमको देना है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग को विस्तार पर थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा क्योंकि यहां से आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं कि हिमालय से क्या क्या इसका लाभ होता है, क्या क्या नुकसान है, और हिमालय के किन क्षेत्रों में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो हिमालय का अगर हम विस्तार देखें गाइस, तो इसका विस्तार हम दो तरीकों से देख सकते हैं, इसका विस्तार हम किस तरीके से दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला बात कह सकते हैं कि जो हिमालय का जो विस्तार है वह विस्तार भारत के उत्तर में है, सीधे सीधे भारत के उत्तर में कह सकते हैं कि हमारा हिमालय का विस्तार जो है वो भारत के उत्तर में, बहुत आराम से और रिलैक्स होकर समझना,
भारत के उत्तर में हमारे हिमालय का विस्तार पाया जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को मैप पर पढ़ाया था। ठीक, हमारे हिमालय का विस्तार क्या है, भारत के उत्तर में, लेकिन वो फैला कैसे है? भारत के उत्तर में है लेकिन वह भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व में फैला हुआ है। कहां से कहां तक फैला हुआ है गाइस? भारत के एक तो विस्तार आप इस तरीके से देख सकते हो, दूसरा विस्तार आप इस तरीके से देख सकते हो कि भारत के कहां पर है, पश्चिम से पूर्व में। कहां पर है गाइस? पश्चिम से पूर्व में, पश्चिम से पूर्व में जो है इसका विस्तार देखने को मिलता है। याद रखिए, कहां पर है? पश्चिम से पूर्व में इसका विस्तार देखने को मिलता है, यह बात आप याद रखिएगा। बहुत इफेक्टिव क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, बहुत लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आपको उसी अवधारणा पर लेकर चलना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय का विस्तार कहां पर है, तो आप आसानी से बोल सकते हो कि भारत के उत्तर में है, या थोड़ा सा और घुमा फिरा कर पूछ दे तो कह सकते हो कि हिमालय का विस्तार भारत के पश्चिम से पूर्व में फैला, भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व में फैला है, पूर्व में फैला है। आप पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसा कंप्लीट कर सकते हो, फैला है, ये याद रखिएगा। कहोगे सर फैला है का मतलब क्या होता है? फैला है का मतलब कि हमारा जो हिमालय है वो कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से फैला है। तो ठीक है, भारत के उत्तर में तो है लेकिन फैला कैसे है? ऐसे ऐसे फैला है ना, तो ये वेस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए दो प्रश्न आपके यहां से इस तरीके से बच जाते हैं कि हिमालय का विस्तार कहां पर है, पश्चिम से पूर्व में आपको हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। ये चीजें आप समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी बातें यहां से दो कैटेगरीज में और निकल कर आ जाती हैं कि अगर हम बात करें देश को लेकर, देश को लेकर अगर हम बात करें यहां पर, किसको लेकर बात करें? देश को लेकर बात करें, और अगर हम भारत को लेकर बात करें, दो चीजों के परिप्रेक्ष्य में लेकर हम यहां से बात करते हैं, देश को लेकर बात करते हैं और भारत को लेकर बात करते हैं। अगर देश को लेकर बात करें तो देश में हिमालय का विस्तार, हिमालय कहां कहां किन किन देशों में फैला हुआ है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपका कभी भी बन जाता है कि हिमालय का विस्तार कितने देशों में है। तो चलिए देख लेते हैं हिमालय का विस्तार कहां कहां है। हिमालय का विस्तार सबसे पहली बात तो कहां देखा जाता है? भारत में इसका विस्तार देखा जाता है। ठीक है, भारत के साथ साथ इसका विस्तार कहां पर है? चीन में इसका विस्तार है। चीन के साथ साथ इसका विस्तार कहां पर है भैया? तो यहां पर लिख लीजिएगा, चीन के साथ साथ इसका जो विस्तार देखा जाता है वो आपका देखा जाता है नेपाल में इसका विस्तार है। कहां पर है? नेपाल में इसका विस्तार देखा जाता है, याद रखिएगा, नेपाल में। नेपाल के बाद इसका विस्तार कहां पर है? भूटान में है, और भूटान के बाद इसका विस्तार कहां पर है? म्यांमार में। तो इन पांच देशों में आपका इसका हिमालय का विस्तार देखा जाता है। कहां देखा जाता है? इन पांच देशों में आपके हिमालय का विस्तार देखा जाता है। कहां कहां पर देखा जाता है सब जानते हो, भारत में इसका विस्तार है, चीन में इसका विस्तार है, नेपाल में है, भूटान में है और म्यांमार में है। इन पूरे में हिमालय का विस्तार है, लेकिन हर देश में इनको, इस हिमालय को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये बात आप सब लोग बखूबी अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात अगर देखा जाए कि हिमालय की बात करें, हिमालय का क्या है, तो यहां पर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम दो चीजों को आपको समझाना चाहेंगे। पहले भारत का जो विस्तार था वो 17 राज्यों में हुआ करता था। कितने राज्यों में? पहले जो हिमालय का विस्तार था वो भारत के 17 राज्य में हुआ करता था। अब 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विस्तार हो गया है, याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत अच्छे से। ठीक, या इनफैक्ट कह सकते हैं कि वो अगर राज्य हटा दिया जाए, सॉरी 17 राज्य बोल दिया, सॉरी 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 17 राज्य है, याद रखिएगा, अगर मुख्य रूप से सॉरी 17 राज्य ध्यान दिया। पहले जो था, पहले हिमालय का विस्तार भारत के कितने राज्यों में था? 10 राज्य में इसका विस्तार देखा जाता था। क्या देखा जाता था? 10 राज्य में इसका विस्तार देखा जाता था। अगर इस 10 को उठा ले तो इसको 10 को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कैसे? कह सकते हो कि इसका मुख्य विस्तार 5 राज्य में था, इसका जो मुख्य विस्तार था, मुख्य विस्तार जो था वो कितने राज्यों में था? 5 राज्यों में। अब मुख्य विस्तार में कौन कौन से राज्य आते थे जान लो यहां से, उसमें आता था आपका JNK, जम्मू एवं कश्मीर आता था, हिमाचल प्रदेश आता था, उत्तराखंड आता था, उसके बाद कौन सा आता था गाइस? सिक्किम आता था, तो यहां पर हम लोगों ने सिक्किम भी लिख लिया, और सिक्किम के साथ साथ AP यानी अरुणाचल प्रदेश आता था। मतलब इन मुख्य रूप से 5 राज्यों में, भारत के मुख्य रूप से 5 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है, क्योंकि एक श्रृंखलाबद्ध रूप में देखा
जाता है। किस रूप में? श्रृंखला बद्ध रूप में इसको देखा जाता है। और अगला पांच क्या हो जाएगा? अगला पांच जो विस्तार था वो पूर्वोत्तर भारत में था। कहां पे था भैया? पूर्वोत्तर राज्य में था। पूर्वोत्तर राज्य में इसका विस्तार था। अगला कहां देखा गया था? इसका और पांच विस्तार कहां था? पूर्वोत्तर राज्य में था। तो इनको भी जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका राज्य कौन सा आ जाएगा? असम आ जाएगा राज्य, असम। असम के बाद अगला हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा गाइस, तो नागालैंड लिख लेंगे हम लोग। नागालैंड के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर मणिपुर लिख लेंगे। मणिपुर के बाद गाइस क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसके बाद मिजोरम हो जाएगा, तो गाइस हम यहाँ पर मिजोरम लिख लेंगे। और उसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। आप कहोगे सर आपने एक राज्य छोड़ दिया है मेघालय। आपको बता दें कि मेघालय में हिमालय का विस्तार नहीं पाया जाता है। अब ये क्यों नहीं पाया जाता है अभी आगे वाले सेक्शंस में आपको पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छे से समझाने का काम करते हैं। क्लियर हो गया? ये मुख्य विस्तार हो गया आपके पांच। लेकिन क्या हुआ था? इसी में से आपका जम्मू एंड कश्मीर जो हो गया था वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो अब ये 10 ना होकर कितना हो गया था? 9 हो गया था। ठीक है, 9 राज्य में हो गया था। एक सेकेंड गाइस, लाइट कटी है, परेशान मत होइएगा, आता है तो फिर आगे क्लास कंटिन्यू करता हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। चलो आज तो यहां तक मैंने चीजों को बता दिया था। तो दरअसल जम्मू एंड कश्मीर क्या हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर बाद में संशोधित कर दिया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर के संशोधित होने से ये दो पार्ट्स में बटा और दो केंद्र शासित बना। एक को क्या कहा गया? कश्मीर कहा गया। एक को क्या कहा गया? कश्मीर। और दूसरे को कहा गया लद्दाख। तो इस तरह से देखा जाए तो हिमालय का विस्तार भारतीय क्षेत्र के अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखते हो, भारत के अकॉर्डिंग देखते हो, तो आपके 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विस्तार पाया जाता है। कितने? 2 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से बन जाता है। तो ये आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है आपके कथन कारण के प्रश्न में, जब आप आईएएस का कथन कारण का प्रश्न देखेंगे या पीएससी 2019 में देखेंगे, तो आपसे क्वेश्चंस बनाकर पूछा गया कि हिमालय का मुख्यतः विस्तार 5 देशों में, 5 राज्यों में है, कथन सत्य है कि असत्य है? तो असत्य हो जाएगा क्योंकि अब 5 नहीं 9 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। लेकिन अगर पूछ दे कि मुख्य रूप अगर लगा दे, मुख्य शब्द लगा दे, तो 4 बोलिएगा। अगर बोल दे कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में इसका कितना विस्तार है, तब 9 बोलिएगा। ये बात याद रखिएगा। तो एक छोटा सा यहां से कॉन्स्टिट्यूशन था जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगला सेक्शन देखते हैं, अगला क्या है? अगला हिमालय के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि हिमालय के बारे में कुछ और कौन कौन सी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। हमने आपको 2 चीजें बताया था कि जो हमारा हिमालय है वो क्या है। हमारा हिमालय जो है, हमारा हिमालय जो है वो हमारा हिमालय हाइएस्ट भी है, हाइएस्ट भी है, और हाइएस्ट के साथ साथ प्लस यंगेस्ट भी है। बहुत इजीली समझाऊंगा एक एक पॉइंट। हाईएस्ट भी है और क्या है? यंगेस्ट भी है। अच्छा, यंगेस्ट का मतलब एक यंग होता है और एक यंगेस्ट होता है, एक यंग होता है और एक यंगेस्ट होता है। इंग्लिश में पढ़े होंगे, यंग का मतलब होता है जवान, यंगेस्ट का मतलब होता है एकदम जवान। मतलब जो हमारा हिमालय है वो एकदम जवान है। ठीक, अगर मान लीजिए कि अगर 30 साल, अगर 25 साल का कोई व्यक्ति है तो उसको कह सकते हैं यार तुम यंग हो। लेकिन अगर 18 साल का, 16 साल का लड़का हो तो हम बोल सकते हैं कि तुम यंगेस्ट पर्सन हो, मतलब एकदम तुम जवान हो। तो हिमालय भी क्या है? हमारा एकदम जवान है, एकदम मस्त है हमारा हिमालय भी। तो इसमें 2-3 बातें जानते हैं क्या है। हमने जब हाईएस्ट का नाम लिया तो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट का मतलब देखा जाता है तो इसकी हाईएस्ट ऊंचाई कितनी, हाईएस्ट का मतलब ऊंचाई होता है। तो गाइस जो इसकी ऊंचाई है, लेंथ इसकी जो है वो कितनी है? 8,850 मीटर इसकी हाईएस्ट है, ऊंचाई है, हाईएस्ट है। और यंगेस्ट का मतलब हमने बताया कि यंगेस्ट का मतलब क्या होता है? नवीन वलित पर्वत इसे कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं? नवीन वलित पर्वत बोलते हैं। नवीन वलित पर्वत या मुड़दार पर्वत या फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो हाईएस्ट इसका कितना है? इसका हाईएस्ट, इसका हाइट कितना है? 8,850 मीटर इसका सबसे हाईएस्ट बिंदु पीक कहलाता है। और ये क्या है? यह नवीन वलित पर्वत का उदाहरण माना जाता है। हमारा हिमालय क्या है? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण माना जाता है। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम देखें, फर्स्ट हाईएस्ट कितना है इसका? फर्स्ट हाईएस्ट जो है वो 8,850 है।
ये जो हाइट है वो हाइट कहां पर है? तो ये जो हाइट है वह नेपाल में, कहां पर है गाइस? यह जो हाइट है वो कहां है? नेपाल में है। और नेपाल में इस हाइट को क्या कहा जाता है? तो इस हाइट को कहा जाता है माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। एवरेस्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। तो यहां से दो बातें आपकी निकल कर आ जाएंगी, कभी भी पूछा जाए कि हमारे हिमालय की, एक सेकंड रुकिएगा, शायद लग रहा है चार्ज नहीं हो रही है क्या बैटरी, एक सेकंड बैच रुके रहिएगा, एक सेकंड रुकिएगा जरूर, बस ये चार्ज क्यों नहीं ले रहा है, एक सेकंड रुके रहना गाइस। अभी ठीक हो गया कि नहीं? अभी ठीक नहीं हुआ गाइस, बस एक सेकंड, बस हो गया, चलिए बैटरी चार्ज नहीं हो रहा था, अभी ठीक है। तो एक एक दो दो पॉइंट एकदम आराम से समझिएगा। पहला अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाए, पहला प्रश्न ही अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या कहोगे? माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850, कहीं 8,848 भी लिखा रहता है, याद रखिएगा। तो यहां से दो प्रश्न आपके बहुत खूबसूरत बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहां पर देखा जाए तो यहां पर हम कह सकते हैं इसको लेकर कि हाईएस्ट पिक ऑफ, बहुत ईमानदारी से समझिएगा, इसको कह सकते हैं कि हाईएस्ट पिक ऑफ वर्ल्ड एंड हिमालय। क्या बोल सकते हैं? वर्ल्ड एंड हिमालय, यानी यह विश्व के साथ साथ हमारे हिमालय की भी क्या है? सर्वोच्च चोटी के रूप में जानी जाती है। ये बात हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो एक प्रश्न क्या आपका यहां से नहीं बन सकता है नेपाल वाले सेगमेंट से, क्या कि हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई किस देश में? अगर ऐसे प्रश्न बन जाए तो, अगर प्रश्न यह बन जाए कि हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई किस देश में है, तो नेपाल में, ठीक है? तो यहां लिख लेंगे हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई कहां है? नेपाल में। और उस सर्वाधिक ऊंचाई को क्या बोला जाता है? माउंट एवरेस्ट बोला जाता है। जो इसकी विशेषता क्या है? जो विश्व के साथ साथ हिमालय की भी क्या है? सर्वोच्च चोटी के रूप में जानी जाती है। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और एक पॉइंट जानना चाहते हो तो और बेहतरीन बता सकता हूं, थोड़ा सा इसको हटाकर शॉर्ट में लिख दूं, यहां पर ध्यान समझो। हमारा हिमालय हाईएस्ट भी है और लॉन्गेस्ट भी है, LONGEST लॉन्गेस्ट भी है। अब जाके पढ़ लो ना यार, ऐसे अगर पढ़ाना है मुझे तो टाइम चाहिए यार, मैं तेजी नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आप PCS के एग्जाम तक आपको इतना प्रिपेयर्ड कर दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा इससे। आप BU के एग्जाम में जाकर देखो, जो पढ़ाया गया है सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको पेपर भेजा था, ठीक है? तो हमने क्या बोला कि यंगेस्ट भी है। यंगेस्ट का मतलब हमने क्या बताया? नवीन वलित पर्वत बताया कि क्या है ये? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नवीन वलित पर्वत का क्या माना जाता है? उदाहरण माना जाता है। यह हमने से पता कि लॉन्गेस्ट पर बात में आते हैं। अगर हिमालय की जो सबसे पहली हाईएस्ट है वो कितनी है? 8,850 किलोमीटर है। अगर यहीं पर हम इसकी सेकंड हाईएस्ट पे देखें, सेकंड हाईएस्ट कितनी है, तो इसकी सेकंड हाईएस्ट जो आती है वो आती है 86.11 मीटर आती है। क्या आती है? सेकंड हाईएस्ट इसकी जो ऊंचाई आती है वो कितनी आती है? 86.11 मीटर आती है। यहां लिखते हैं कितनी आती है इसकी सेकंड हाईएस्ट, कितनी आती है? 86.11 मीटर आती है। 86.11 मीटर। अब कहोगे सर ये कौन सा लफड़ा लाती है, तो नया देखने को मिला, बिल्कुल नया मिलेगा आपको इसमें। 86.11 मीटर, यह 86.11 मीटर क्या है? यह 86.11 मीटर हमारे हिमालय की सेकंड हाईएस्ट पीक है। यह 86.11 मीटर क्या है हमारे हिमालय, क्या लिख सकते हैं कि सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहां पर हम लोग? लिख सकते हैं कि सेकंड हाईएस्ट पिक ऑफ हिमालय एंड वर्ल्ड, यानी हिमालय की और विश्व की क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। कहोगे सर कौन सी दूसरी चोटी कौन सी आ गई? भाई भूल गए हो क्या पढ़ाते हो? माउंट K2 गार्विन आस्टिन। K2 क्या है? K2
केटु आपकी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। तो कहोगे सर केटू का विस्तार कहां पर आता है, तो केटू का विस्तार कहां पर आता है, लद्दाख में आता है। कहां पर आता है, लद्दाख में आता है। तो हिमालय की फर्स्ट हाईएस्ट ये हो जाएगी एंड देन सेकेंड हाईएस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत दमदारी वाले प्रश्न यहां से बनते हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा। यानी कि जो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंचाई है वह किस देश में है, तो भारत में है। ठीक है, इसकी जो दूसरी सबसे हाईएस्ट ऊंचाई है, सेकेंड हाईएस्ट लिख देता हूं इंडिया, ब्रैकेट में इंडिया डाल देता हूं, समझ लग लेना सेकेंड हाईएस्ट जो है वो कहां पर है, इंडिया में है। इंडिया पिक ऑफ हिमालय याद रखिएगा, सेकेंड हाईएस्ट कहां है, इंडिया में आता है, लद्दाख के केटू को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर यहां से देखा जाए तो यहां से एक पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, आप थर्ड कह सकते हैं कि थर्ड हाईएस्ट क्या हो सकता है। ठीक है, थर्ड हाईएस्ट क्या हो सकता है, तो यहां पर 85 कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा उसका आंकड़ा क्या है यार, 85 करके है कंचनजंगा का कितना है, कंचनजंगा कुछ 85 समथिंग है, आप नोट कर लेना ध्यान पे, मेरे मिस कर रहा दिमाग से, इसका कुछ क्या था 85-88 करके कुछ था कंचनजंगा का, आप देख लेना अभी मुझे रिकॉल आता है तो बता देता हूं, आप नोट कर लेना कैसे देख लेना, 85 समथिंग था कुछ, 85 समथिंग इसी तरह का इसका हाईएस्ट है, अभी दिमाग पर नहीं आ रहा है, आप अभी आ जाता है तो बता देता हूं इसकी ऊंचाई कितनी है। ये हो गया आपकी थर्ड हाईएस्ट पीक हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा हिमालय की थर्ड हाईएस्ट पीक पूछा जाता क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय कहां है भैया, हिमालय क्या हो जाएगा, हिमालय। यानी तीसरी सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कौन सी है, हमारी 85 कुछ समथिंग है और किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो यह जो स्टेट होता है वो कौन सा है, ये है कौन सा, तो सिंपल सी भाषा में लिख लेना क्या, कंचनजंगा लिख लेना, क्या लिख लोगे, कंचनजंगा लिख लोगे। अब कहोगे सर कंचनजंगा आटा कहां पर है, भारत के किस राज्य में आता है, तो गाइस याद रखना ये भारत के कहां पर आता है, सिक्किम राज्य में आता है। कहां आता है गाइस, सिक्किम राज्य में आता है, याद रखिएगा किस राज्य में आता है, सिक्किम राज्य में इसका विस्तार देखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो गया, इसका नोट कर लेना। अगर 85 कुछ ऐसे करके 85-88 कुछ है या 85-87 कुछ करके है, आप उसको जल्दी से नोट कर लेना, फटाक से जल्दी नोट करो, हर एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से जान लेना, जल्दी नोट करो, जल्दी करो भैया। जल्दी नोट करिए, एक एक पॉइंट क्लियर करना होगा आपको, एक एक पॉइंट देखो, इतना आपको डिटेल पढ़ने से पहले इसमें बेसिक लेवल के भी क्वेश्चंस आ गए, आपसे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर दे तभी भी पूछा जा सकता है, तो हर तरीके से चीजों को मैंने करा दिया है कि चीजों को आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा पढ़ने चाहे पढ़ लीजिएगा। आपको ये पूरा हो गया, नवीन वलित पर्वत हो गया। अब जरा सा आपके मन में आएगा सर यंगेस्ट का मतलब क्या होता है, यंगेस्ट का मतलब लंबाई आता है, क्या आता है, लंबाई आता है। ठीक है, हाईएस्ट में एक पॉइंट नोट कर लेना, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है, यहां नोट कर लेना कि हिमालय इज अ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट आपका माउंटेन रेंज कहलाता है, या लिख लेना हिमालय, यहां पॉइंट करके लिख लेना हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है, ये भी पॉइंट अपने कॉपी पर क्या कर लेना, नोट कर लेना। एग्जाम्स में यहां से भी क्वेश्चंस आपके लिए क्या किए जाते हैं गाइस, पूछे जाते हैं, फटाक से नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए फटाक से, जल्दी से नोट करिए। ठीक है, याद रखिएगा। और इस याद रखा लॉन्गेस्ट के बारे में अगर हम जाने कि लॉन्गेस्ट को लेकर क्या इंपॉर्टेंट है, तो लॉन्गेस्ट याद रखिएगा यह सेकंड लॉन्गेस्ट हिमालय सेकंड लॉन्गेस्ट वर्ल्ड में आता है, विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वतमाला ये कहलाता है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है, हमारे हिमालय की लंबाई पूछा जाए तो हमारे हिमालय की लंबाई कितनी है,
कितने में किलोमीटर में फैला है, तो 2500 किलोमीटर में हमारा हिमालय क्या है, फैला हुआ। हिमालय की लंबाई कितनी है, ऊंचाई तो बता दिया, लंबाई कितनी है, कितने लंबाई में फैला हुआ है, 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब यहाँ पर दो तीन चीजों को और डिस्कशन करना है, यहाँ पर एक चीज दिमाग से निकल गया था वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हिमालय कितनी है, 2500 किलोमीटर में है। अब 2500 किलोमीटर में है तो इसलिए क्या है, यह विश्व का दूसरा सबसे, यह विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वतमाला कहलाता है। लिख लेंगे हिमालय, हिमालय विश्व का दूसरा सबसे, दूसरा सबसे लंबा पर्वतमाला है, लंबा पर्वतमाला है, लंबा पर्वतमाला है। दैट्स अ क्वेश्चन, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। हिमालय क्या है, विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत कहलाता है। तो यहां पर दूसरे वाले को थोड़ा सा हम लोग गौर करके फरमा देंगे, दूसरा सबसे लंबा क्या कहा जाता है, पर्वतमाला कहा जाता है। वही कहोगे कि सर ये बताओ अगर ये दूसरा है तो सर पहला कौन सा है, बात तो सही है आपकी। तो अगर दूसरा देखा जाए तो आपने एंडीज का नाम सुना होगा, आपको पढ़ाया गया एंडीज माउंटेन का, एंडीज माउंटेन का आप लोगों ने नाम से जरूर सुना होगा। अब एंडीज माउंटेन की अगर हम बात करें तो एंडीज माउंटेन की जो लंबाई है वो 7200 किलोमीटर है। कितनी है, 7200 किलोमीटर में। तो 7200 किलोमीटर होने के कारण लंबाई में पहले नंबर पर आ जाएगी। तो यहां लिख लीजिएगा एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, या लिख लीजिएगा विश्व की, विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, पर्वतमाला है। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया है कि पॉइंट, ऐसे पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अन्यथा हम ऐसे पढ़ा नहीं पाएंगे, हम लिखा लिखा कर बोल बोल कर काम खत्म कर देंगे, बाकी आपकी मर्जी हो जाएगी। समझ में आया, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हिमालय को क्या लेकर पढ़ाया, विस्तार लेकर पढ़ाया, भारत के चीन में बताया, 9 राज्य में है, 2 केंद्र शासित प्रदेश में विस्तार है, असम भारत में कहां का, पूर्वोत्तर राज्य में, ये भी बता दिया, हाईएस्ट यंगेस्ट लॉन्गेस्ट तीनों आपको एक साथ समझाने का प्रयास किया, एकदम नया फॉर्मेट पर। इससे पहले मैं ऐसे पढ़ाया ही नहीं था, पर इस तरह से आपको मैंने नया फॉर्मेट पढ़ाना शुरू कर दिया था। एक पॉइंट आपका यहां से छूट गया था, उसको थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहां कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए हमने कहा था कि भैया हिमालय का विस्तार जो है, देखिए ऐसे ही होता है, अगर हड़बड़ी कराएंगे तो माइंड से चीजें स्लिप हो जाती है, फिर लगता है कि इतना डीपली मत पढ़ाओ, कम पढ़ाओ, जल्दी निपटाओ, क्योंकि हमारे जो ब्रिलियंट कुछ स्टूडेंट है उनको बड़ी चुन्नी काटी रहती है, थोड़ा सा कम चुन्नी कटवाओ भाई, परेशान ना हुआ करो। तो पश्चिम से पूर्व में अगर हमने इसका विस्तार बताया कि हमारे हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम में, और आप ये भी जानते हो कि हिमालय का विभाजन 2 आधार पर किया गया है, एक भौगोलिक संरचना के आधार पर, दूसरा नदी के आधार पर किया गया, बात बखूबी जानते हो, ये बात अच्छे से जानते हो, नहीं जानते हो, जानते हो, ये बात याद रखिएगा। तो अगर हम कहें कि यहाँ हिमालय का पश्चिमी सीमा में कहां से कहां तक, तो गाइस अगर पर्वत के आधार पर देखते हो, अगर पर्वत के आधार पर देखा जाए तो पश्चिम में याद रखिएगा नंगा पर्वत से लेकर, कहां से गया, नंगा पर्वत से लेकर पश्चिम में कहां से कहां तक विस्तार है हिमालय का, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में कहां तक भैया, नामचा बरवा, क्या हो जाएगा, नामचा बरवा तक है, नामचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार है, किसका, हिमालय का विस्तार है, याद रखिएगा। अगर कभी भी पूछा जाए कि हिमालय का विस्तार भारत में किस पर्वत से किस पर्वत तक है, तो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो गाइस ये तो पर्वत के आधार पर हो गया, अगर यही नदी के आधार पर पूछे तो नदी के आधार पर पूछे तो एक लाइन में कहना कि पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में कहां तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार, कहां तक है गाइस, ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार देखा जाता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और अभी आगे भी इसको मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, ये थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी थ्योरी बता रहा हूँ, अभी पूरा डिटेल मैपिंग पे बनवाऊंगा, सोच लेना। तो आप जाने तो मैपिंग क्या बनाना है, छोड़ो ऐसे लिखो, फालतू में इतना टाइम लगेगा है कि नहीं, जो चीजें हैं इसको मैप पर लिखता, तो मैपिंग नहीं कराऊंगा, थ्योरेटिकल बेसिक करा दूंगा, थ्योरी कराकर काम खत्म इसका, ठीक है, विस्तार का खत्म हो जाएगा, ट्रांस बृहद मध्य और शिवालिक का मैं क्या करूंगा, मैपिंग करा दूंगा, इसका मैपिंग रहना तो टाइम वेस्ट होगा, फालतू में एग्जाम भी आ रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया, चलो मेरे लिए और आसान हो जाएगा। तो आप पश्चिमी सीमा देखा जाए तो नंगा पर्वत क्या करता है, हिमालय के, ध्यान सुनना, नंगा पर्वत क्या करता है,
नंगा पर्वत हिमालय के पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है, सिंधु नदी भी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, नामचा बरवा भी पश्चिमी से पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है और ब्रह्मपुत्र भी पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। ये बात याद रखिएगा, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अगर यहां से क्वेश्चन और बनता है, कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर देखा जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर लेकर देखा जाए, किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बनते हैं यहाँ से, तो थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है। और क्या हिमालय का, हिमालय से और क्या क्या, हिमालय का महत्व क्या है, थोड़ा सा हम हिमालय के महत्व के बारे में जानते हैं कि हिमालय का महत्व क्यों क्या हुआ, इसका थोड़ा सा महत्व पर जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमालय का हमारा महत्व क्या है। गाइस अगर महत्व के बारे में बात करें तो यह कहां से, यह यूरेशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, पहला प्रश्न यहीं पर हो जाएगा, ये लिख लेंगे, यूरेशिया से आने वाली, यूरेशिया से आने वाली ठंडी हवा को रोकता है, ठंडी हवा को रोकता है। याद रखिएगा, अगर हिमालय नहीं होता तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जो क्षेत्र देख रहे हो, ये भी जैसे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है वैसे ही हमारा क्षेत्र हो जाता। तो ये क्या करता है, हिमालय यूरेशिया से आने वाली, यूरोप से आने वाली और आपकी एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या करता है, रोकने का काम करता है। दूसरा पॉइंट इसका महत्व क्या हो जाएगा, वनों का विकास और जीव जंतुओं का विकास हुआ, क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसका विकास हुआ, वन और जीव जंतुओं का विकास हुआ, वनों का विकास हुआ, सिंपल सी भाषा में लिखो, वनों का विकास हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, वनों का विकास हुआ। याद रखिएगा, वनों का विकास हुआ इस क्षेत्र में, वनों के विकास होने से लकड़ियों की प्राप्ति हो गई, नए तरह के वन हमको देखने को मिले, वनों का विकास होने लगा, ठीक है। और भी महत्व क्या होता है, नदियों का उद्गम होने लगा और ग्लेशियर का यहाँ से उद्गम हुआ, यानी इनका निर्माण हुआ, याद रखिएगा, उद्गम हुआ, इनका भी विकास देखने को, हिमालय ना होता तो क्या हम आपको गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां देखने को मिलती, बिल्कुल नहीं देखने को मिलती, तो नदियों और ग्लेशियर का क्या हुआ, उद्गम हुआ। और इसमें क्या जान सकते हैं भैया, और हम एक चीज और बहुत अच्छा जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं बताइए, यूरेशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, वनों का विकास होता है, नदी ग्लेशियर और ग्लेशियर का क्या होता है, उद्गम होने का काम होता है, पर्यटक का एक आकर्षण केंद्र बनाइए, क्या बना, पर्यटक का आकर्षण केंद्र बना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये चार बातें हैं जो आपके कभी कभी एग्जाम्स में व्यवहारिक तौर पर यहां से आपके प्रश्न जरूर पूछ दिए जाते हैं कि क्या क्या इनकी खासियत है, क्या क्या इनके इंपॉर्टेंस है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके बहुत सारे आते हैं। मैंने बताया यूरेशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या करता है, रोकने का काम करता है, वनों का विकास हुआ, नदी ग्लेशियर का उद्गम हुआ, पर्यटक का आकर्षण केंद्र बना, कौन सा हमारा, हिमालय का क्षेत्र बना। बात समझ में आ गई, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा यहां पर एक चीज देखा जाए, याद रखिएगा, अगर ये हमारा हिमालय है, बहुत ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये सबसे हिमालय, तो हमारा हिमालय यहां पर ऐसे होते होते फिर ये ऐसे कुछ हो गया है, फिर ये ऐसे जाते जाते कुछ यहां पर ऐसे मुड़ा हुआ है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, वो मैं आपको बताता हूं कि मैंने इसको क्यों यहां पर ड्रॉ करके बताया आपको, ठीक है, मैंने इसको क्यों ऐसे ड्रॉ करके फिगर बताया, ये सेकंड पॉइंट है, याद रखिएगा, सेकंड पॉइंट है ये आपका, ठीक है। पूछा जाता है कि हिमालय की अत्यधिक ऊंचाई कहां पर है, हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर है, तो इसकी सर्वाधिक ऊंचाई पूर्व में देखने को मिलती है, याद रखिएगा, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई पूर्व में अगर देखा जाए, ये पूर्वी हिस्सा है, तो अगर हम पूर्व में कहें तो इसकी सर्वाधिक ऊंचाई है, क्या है, पूर्व में इसकी क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई इसकी कहां आती है, पूर्व में देखी जाती है, ठीक है। और पश्चिम में इसकी देखी जाए तो कम ऊंचा है, अगर पश्चिम में देखा जाए तो इसकी ऊंचाई क्या है, कम देखी जाती है, सिंपल सी भाषा में जान दीजिए, ये क्वेश्चन आपके एक बार नहीं हजार बार पूछा गया है कि हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई पूर्व में देखी जाती है जबकि सर्वाधिक चौड़ाई पश्चिम में देखी जाती है, बिल्कुल, अगर पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में क्या, सर्वाधिक चौड़ाई देखी जाती है यहाँ पर,
देखो इतनी छोटी छोटी चीजों को बताना एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक चौड़ाई कहां पर है? सर्वाधिक चौड़ाई इसकी कहां पर है? सर्वाधिक चौड़ाई इसकी पश्चिम में। और पूछ ले इसी को घुमाकर कि सबसे कम चौड़ा या सबसे कम सकरा हिमालय किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो पूर्वी क्षेत्र में या पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी हिमालय के बारे में बेसिक चीजें रही जहां से आपको इन चीजों के बारे में जानना था। क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं वो बता देते हैं। एक तो आपका क्वेश्चन इसका देख लेना भाई, कंचनजंगा का 85-88 कुछ ऐसे करके है, 85-86 कुछ होगा, देख लेना लिख लेना, वरना कल मैं बता दूंगा। फर्स्ट यहां से क्वेश्चन आता है, एक यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से, इनसे तो आपके क्वेश्चन वन लाइन में बनते हैं। अब अगर कथन कारण का प्रश्न इसी को बनाना हो तो कैसे बन सकता है, लिख सकता है कि हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला होने के साथ साथ विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई नेपाल में है, जबकि उसकी सबसे कम ऊंचाई सिक्किम में देखी जाती है। क्या राइट आंसर है कि गलत है, कथन सत्य है कि असत्य है? तो ऐसे बहुत सारे, देखो ये जितने भी तथ्य लिखे गए हैं इनको थ्योरेटिकल बेस के रूप में अगर आप लिख देंगे तो आपका पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा, आपके आईएएस लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा और कथन कारण का क्या करेगा, काम करेगा गाइस यहां से क्वेश्चन। तो आपको बिल्कुल बहुत घबराना नहीं है, इसी तरीके के सेक्शन को आपको पूरा का पूरा याद करना है। यहां पर एक पॉइंट भूलिएगा नहीं, लिखना हो तो लिख लीजिएगा, ये दोनों ये पश्चिमी सीमा बनाते हैं, यहां लिखना होता लिख लेना, ये क्या करते हैं पश्चिमी सीमा बनाते हैं, ये सब क्या करते हैं पश्चिमी सीमा बनाते हैं। और अगर ये पूरा का पूरा देखा जाए तो ये क्या करते हैं गाइस, ये आपके पूर्वी सीमा बनाते हैं, ये क्या करते हैं पूर्वी सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। और ये पश्चिमी सीमा का क्या करते हैं, पश्चिमी सीमा का ये क्या करते हैं निर्धारण करते हैं। याद रखिएगा कितना डीप जाकर मैं हर एक चीज को आपको सेगमेंट को कराने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, समझ में आया तो ठीक है, ना समझ में आया तो जय सियाराम। ये पूरा का पूरा सेक्शन सबका क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ एक बार कमेंट्स आप व्हाट्सएप पे करके बता देना। मैपिंग नहीं कराऊंगा क्योंकि मैपिंग कराने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और टाइम लगेगा तो आपका फ्यूचर अंधेरे में हो जाएगा। बहुत लोग तुरंत कमेंट करने लगेंगे कि सर फिर ये क्यों करा रहे हैं, ऐसा मत कराइए, इतना लंबा समय मत लीजिए। तो भैया आप इसको लिख लीजिएगा और इतने से संतुष्ट हो जाइएगा। हाँ, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय की पूरी मैपिंग कराऊंगा, ठीक है। इसकी मैपिंग नहीं कराऊंगा क्योंकि अगर आप इस तरीके से मेरे साथ करोगे तो फिर मैं उसमें कुछ संकोचूंगा नहीं, ठीक है। बहुत प्रेशर किए हैं आपको, बहुत प्रेशर, एस्ट्रोनॉमी की क्लास जिस दिन से भेजना शुरू किया यानी पागल कर रखे हैं आप लोग, पागल कर रखे हैं इनका मतलब कि सर एस्ट्रोनॉमी मत भेजिए, कोई पागल करके आप सब पर्यावरण पढ़ा दीजिए, पर्यावरण नहीं आता है सर, कोई इंडियन ज्योग्राफी में पहले रिवर स्टार्ट कर दीजिए, मतलब 80 लड़के हैं 80 तरह की बातें हैं आप लोगों के। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जो दिया जाए वो पढ़ते हैं और देख लीजिएगा, लिखित तौर पर प्रमाणित तौर पर देख सकता हूं, वही लड़के आपको रिजल्ट भी देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जो बहुत तेज बनने की कोशिश करते हैं, जो बहुत होशियार बनते हैं ना, उनका यही होता है सर, उनको कुछ नहीं पता होता है, बस जताने की कोशिश करते हैं कि सर हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ पहचानते हैं। अभी दिख रहा है पूरा का पूरा? चलो अभी दिख रहा होगा पूरा का पूरा, उसमें दिख नहीं रहा होगा। तो ये पूरे के पूरे सेक्शंस को कंप्लीट करा जाइए, जितना मैंने पढ़ा रखा है इसी को पढ़कर देखिए तो आपको पता चलेगा कि कितना लंबा थ्योरी लिखवाई जाती है और लोगों को समझ में भी नहीं आता है। समझ में आ गए? बाकी कल कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद आप सभी को।